नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पांच सब्जियों के बारे में जिसकी खेती करने से अपने को मार्च महीने में बहुत ही मुनाफा होने वाला है, और ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो फरवरी मार्च में हमें लगाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको शुरू से आखिर तक बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी पाँच फसल है। सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर की खेती एक अच्छा चुनाव है, लेकिन टमाटर की खेती में मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। सबसे पहले तो उसकी नर्सरी तैयार करना पड़ती है, फिर उसके लिए जो हमारा बेड तैयार करना पड़ता है। मल्चिंग में भी हम उसकी खेती कर सकते हैं, ड्रिप, उस सिंचाई के लिए हम ड्रिप का उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारी हमें इसमें तामझाम करने पड़ते हैं, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना रखी है। लेकिन टमाटर का अगर भाव में अच्छा मिल जाता है तो पैसे भी बहुत बढ़िया हमें मिल जाते हैं। और उसी तरह होती है एक हमारे यहाँ पर मिर्ची की खेती। मिर्ची की खेती की बात करें तो उसमें भी बीमारी का समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे वायरस आ जाना या फिर सफ़ेद मच्छर से, मकड़ी से। तो मिर्ची में भी जो सिंचाई का माध्यम होता है, लगाने का माध्यम होता है, वो बिल्कुल समान होता है हमारे टमाटर की खेती की तरह, और बीमारी भी समान होती है, और इसमें दवाइयों का भी ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, लेकिन उत्पादन अच्छा होता है और पैसे भी हमें अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर तरबूज की खेती के बारे में। तो तरबूज की जो हमारी खेती होती है वो थोड़ी सी अर्ली होती है, जनवरी से ही हमें उसकी प्रिपरेशन करना पड़ती है। इस तरबूज की खेती में हमें पानी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन उत्पादन इसका बहुत ही बढ़िया मिलता है, क्योंकि जितना हम पानी पिलाएंगे उतना ज़्यादा हमें यहाँ पर उत्पादन इसमें देखने को मिलेगा, और भाव भी अभी कुछ साल से तो अच्छे ही मिल रहे हैं, इस साल का पता नहीं, लेकिन हमारा फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। अब आगे हम यहाँ पर बात करें तो खीरा ककड़ी की खेती भी सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये हर सीज़न में हम इसकी खेती कर सकते हैं, और पानी की आवश्यकता भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मिलता है। उसमें केवल एक ही समस्या है मज़दूर की, यानी कि समय समय पर अगर हमें मज़दूर नहीं मिलेंगे तो तुड़ाई में देरी होने से उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। और सेम ऐसा होता है हमारे यहाँ पर गोभी की खेती में, लेकिन गोभी की खेती शांत खेती भी कह सकते हैं और बहुत मेहनती खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जितनी दवाई की आवश्यकता पड़ती है उतनी कोई सी भी खेती में दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उत्पादन अगर हमें अच्छा मिल जाए, भाव अच्छा मिल जाए, तो गोभी से भी हम अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये जो पाँच टॉप खेती है, सब्जियाँ हैं जिनका उत्पादन, जिनके लगाने से, उनके उत्पादन से हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा और फ़ायदा हो सकता है। तो आप इन पांचों की वीडियो भी मैंने अलग से बना रखी है किस तरह इनकी वैज्ञानिक खेती की जाए, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, और ये जो पांच खेती है इनको आप ज़रूर अपनाएं और देखें कि कैसा आपको फ़ायदा हुआ, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इससे रिलेटेड अगर कुछ बीमारियाँ है या कैसे उसका उत्पादन बढ़ाना है, तो मैं भी आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।